राइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज राइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रदीप नामदेव, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस नव संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित रहे। संकल्प शिविर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 दिवसीय आयोजित है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर। आज इस सम्मेलन में पीएल पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष, ये पीसीसी के हमारे ऑफिस बेरर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ये सारे लोग उपस्थित हैं। और इसकी शुरुआत आज यहाँ कांग्रेस के झंडा तोलन के साथ इसकी शुरुआत हुई। और मोहन मरकाम जी का स्वागत भाषण और अध्यक्षीय भाषण के रूप में मेरा उद्बोधन हुआ। पुनिया जी का भी उद्बोधन हो चुका है। मुख्य रूप से जो उदयपुर में जो नवचिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। देखिए, जो संकल्प पास किए गए हैं, जो उदयपुर संकल्प शिविर में ये सब बातें हैं, जो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, उसके साथ साथ जो युवाओं को अन्य पिछड़े वर्ग, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी संगठन से लेकर अन्य पदों में कैसे हो, उसके बारे में बृहद चर्चा भी होगी। और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा होगी।